सरकार दोषी अलखंदा जी सानू सभागृह में उपस्थित सभी श्रोता मेरे सर्वता और यहाँ मैं बहुत सारे हमारे इंदौर के स्थापित और जिनके प्रति बहुत गर्व अनुभव होता है इसमें मेरे शहर के साहित्यकार हैं अरुणादे खरवंकर गरिमा दुबे कविता वर्मा आदरणीय सरोज कुमार जी पुरुषोत्तम जी दुबे हरेराम जी वाजपेयी भी मुझे दिखे थे नागर जी भी को मैंने देखा था संदीप राजेंकर इन सभी का मैं अभिवादन करती हूँ और वैसे भी थोड़ा सा जब बाद में बोलना पड़ता है तो एक थोड़ा सा कहीं ना कहीं मन में दुखी रहती है इतने सारे साहित्यकार भी हैं और आज सबसे ज्यादा असहज मैं इसलिए महसूस कर रही हूँ कि पहली बार मैं लिखा हुआ पढ़ने वाली हूँ 45-50 साल में कभी भी मुझे लिखकर पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं हुई लेकिन अब विस्मृति होने लगी है तो शायद मेरे पढ़ने से आप लोगों को बहुत ज्यादा आनंद नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है क्योंकि मैं खुद ही उससे संतुष्ट नहीं हूँ। आज जो विषय दिया गया है तो उसके अनुसार हम देखें कि सबसे पहले स्त्रीत्व क्या है। मेरे विचार से स्त्रीत्व वह अनुभूति है जो अंतर मन में सौंदर्य जागृत करती है। स्त्रीत्व हमें आत्मविश्वास देता है। इसकी एक विशेषता यह भी है कि वह जिस भी क्षेत्र में पदार्पण करता है उसे अपने हाथों से सुंदर बना देता है। लेकिन जितनी आसानी से यह सब मैं बोल रही हूँ पुरुष प्रधान पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था में कुछ भी इतना आसान नहीं होता। एक संवेदनशील स्त्री को अपने लिए एक अलग दुनिया बसाना पड़ती है। इस दुनिया को हम प्रतिसृष्टि कह सकते हैं। इस प्रतिसृष्टि में उस स्त्री को अपने आप को अपने स्व को ढूंढने की अनिवार्यता होती है और जब कोई स्त्री रचना धर्मी होती है या सृजनशील होती है तब वह मूलाधार की तरह अपनी स्मृतियों का सपनों का अनुभवों का उपयोग करती है। उसके लिए एक नई दुनिया कविता के रूप में साहित्य के रूप में उत्पन्न हो जाती है। इसी कारण स्त्री की कविता में स्त्रीत्व अनिवार्य रूप से मौजूद होता है। किसी भी कवयित्री की कविता स्त्री निरपेक्ष हो ही नहीं सकती। हम किसी भी युग का इतिहास देखें खासतौर से कविता का इतिहास तो स्त्री की कविता में उसकी यातनाएं उसकी वेदना उसके दुख इन सब की कहानी तो होती ही है लेकिन इस विषय के अलावा भी कोई कविता हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उसके स्वयं के विशिष्ट अनुभव उनमें व्यक्त होते हैं परिलक्षित होते हैं। जब हम पिछले 20 वर्षों पर नजर डालते हैं तो उसमें कवियत्रियों के 3 हिस्से दिखाई देते हैं। एक है वरिष्ठ कवियत्री मेरा आशय आयु से है दूसरी है मध्यम आयु की और तीसरी है युवा किंतु ये तीनों आयु वर्ग की कवियत्रियां स्त्रीत्व से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। ये सम्मेलन जो है स्त्रियों का है ये मुझे न्यायी तब से महसूस हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों की बातचीत किया हुआ जा रही है। मैं यहाँ बैठी थी तब भी आ रही थी मैं क्षमा चाहती हूँ लेकिन मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ इसको। ये तीनों आयु वर्ग की कवियत्रियां स्त्रीत्व से अपने आप को अलग नहीं कर पाती हैं। कम से कम मेरे पढ़ने में तो ऐसी कविताएं नहीं आई हैं जिनमें बहुलता से अन्य विषयों को लिया गया है। मैं यहाँ पर मुख्य रूप से कवियत्रियों का ही उल्लेख करना चाहूंगी क्योंकि कवियों द्वारा इस विषय को लेकर या स्त्रियों को लेकर नगण्य प्राय लिखा गया है। इसके साथ में मैं एक चीज और बताना चाहूंगी क्योंकि मैं हिंदी के लिए बोल रही हूँ इसलिए हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया है लेकिन मराठी में युवा कह सकते हैं आज की भाषा में वैसे 50-55 की उम्र है उनकी किरण लेने हैं उन्होंने बाईचा कविता यानी स्त्रियों की कविता से पूरी एक पुस्तक उनकी प्रकाशित हुई है और 3 वर्षों में उसकी 4 संस्करण छप चुके हैं। वो एक कविता एक समय बचा तो मैंने उनकी कविताओं का अनुवाद किया है अंत में मैं उनकी भी कविता यहाँ पर सुनाऊंगी। तो पुरुषों द्वारा नहीं लिखे जाने की एक वजह यह भी हो सकती है कि समाज में अभी तक इतना खुलापन नहीं था और इसी वजह से कवियों ने सामान्यतया पौराणिक या ऐतिहासिक स्त्रियों पर तो लिखा किंतु स्त्रीत्व पर नहीं। बहरहाल इन 20 वर्षों में कविताओं में स्त्रीत्व से संबंधित ऐसे विषय भी आए हैं जिनके बारे में पहले बोलना तक ठीक नहीं समझा जाता था। मुझे याद है कि जब मेरा मासिक धर्म शुरू हुआ था तो उसके बारे में बहुत दबे छुपे ढंग से धीमी आवाज में माँ से या बड़ी बहनों से मैं बात करती थी
यह लगभग 50-55 वर्ष पुरानी बात मैं बता रही हूँ, और इसी वजह से ऐसे विषय कवियत्रियों की कविताओं में भी उस समय दिखाई नहीं देते थे। कविताएं ज्यादातर कोमल तरल भाव लिए रहती थी, लेकिन यदि 21वीं शताब्दी की कवियत्रियों में अनामिका कात्यायनी से लेकर आज की कवियत्री विशाखा मुंडे, अर्चना वैद्य करंदीकर, सरांगी साने की हम बात करें, तो बहुत सारे विषय उन कविताओं में अंतर्भूत दिखाई देते हैं। और मुझे लगता है कि विषयों का यह बदलाव ही स्त्रीत्व की परिभाषा भी बदलता है। यह बदलाव जब से शुरू हुआ उसी काल की वरिष्ठ कवियत्री अनामिका की एक कविता मैं यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूंगी। उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किस परिमाण ने काट दिए हैं कथई गुलाब रात भर में, उसकी सफेद फ्रॉक और जांघिए पर किस परिमाण ने काट दिए हैं कथई गुलाब रात भर में, और कहानी के विषाद बोने क्यों गुत्थम गुत्थी मचा रहे हैं उसके पेट में, अनहद सी बज रही है लड़की कांपती हुई, अनहद सी बज रही है लड़की कांपती हुई, लगातार झंकृत है उसकी जंघाओं में इतारे, चक्रों सी नाच रही है वह एक मही सी मुद्रा में, गोद में छुपाए हुए सृष्टि के प्रथम सूर्य सा लाल लाल तकिया, गोद में छुपाए हुए सृष्टि के प्रथम सूर्य सा लाल लाल तकिया। कहीं पर भी मासिक धर्म या रक्तस्राव का उल्लेख किए बिना कवयित्री ने बहुत ही सलीके से अपनी बात इस कविता में कही है। मैंने जैसा कि पहले कहा, स्त्री की कविता में यातना और वेदना तो दिखाई देती ही है। मैं इसी संदर्भ में सरांगी साने की कविता को प्रस्तुत करना चाहूंगी। यहाँ पर बैठे हुए मुझे लगता है कम से कम 50% लोग तो ये जानते हैं कि सरांगी मेरी बेटी है, इसीलिए पहले मैं ये बताना आवश्यक समझती हूँ कि उसकी कविता में बतौर माँ प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ। माँ के तौर पर तो मैं उसकी कटु आलोचक रही हूँ, सरोज कुमार जी जानते हैं, और जैसा कि अधिकांश माएँ रहती हैं आलोचक, और इस वजह से वो मुझसे हमेशा दुष्ट भी रहती है, लेकिन कवियत्री के रूप में वो मेरी प्रिय कवियत्रियों में से एक है। इस कविता में वह स्त्री की वेदना को एक रोजमर्रा की जिंदगी के साधारण बिंब के माध्यम से, लेकिन उतने ही सशक्त तरीके से प्रस्तुत कर रही है। बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, बहुत सारा प्याज काटने बैठ जाती थी माँ, कहती थी मसाला भूनना है। दीदी को भी बड़ा प्यारा लगता था प्याज काटना, लेकिन तब वह समझ नहीं पाती थी कि इतना अच्छा क्या है प्याज काटने में। आज पूछती है उसकी बेटी क्या हुआ, आज पूछती है उसकी बेटी क्या हुआ, और वह कह देती है कुछ नहीं बेटा, प्याज काट रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। मैंने जैसा कि पहले कहा, इन 20 वर्षों को हम 3 आयु वर्ग में बांट सकते हैं। उनमें सरल शब्दों में सशक्त और प्रभावी कविताएं लिखने वाली मध्यम आयु की जो कवियत्रियां हैं, उनमें निर्मला पुतुल, अंजु शर्मा, नीलेश रघुवंशी, निधि सक्सेना, अनुपमा तिवारी, शैलजा पाठक, श्रुति कुशवाहा और मंच पर विराजमान मालिनी गौतम आदि हैं। हाल ही में अनुपमा तिवारी की एक कविता वायरल हुई जिसका शीर्षक ही बहुत स्फोटक है, मैं रंडी हूँ। मैं रंडी हूँ इस शीर्षक की यह कविता दीपिका पादुकोण के चर्चित जेएम प्रकरण के बाद अनुपमा ने लिखी है। अंजु शर्मा ने 40 साल औरत की कविता लिखी, 40 साल की औरत स्त्री को कैसे महसूस करती है वो इस कविता में दिखाई देता है। लगभग 5-6 वर्ष पूर्व मैंने 60 साल औरत की कविता लिखी। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में 72 वर्षीय एक नन के साथ में बलात्कार हुआ था, और उसी समय मेरे मन में 60 साल औरत यह कविता उपजी। इस कविता में मैंने यह दर्शाया है कि 60 साल की औरत के मन में भी अपने स्त्रीत्व को लेकर कैसा डर समाया हुआ है, और मुझे लगता है कि यही इस भावना का, इस नेमत का एक दुखद। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।